दोस्तों, आज हम रोडेंट अल्सर के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रोडेंट्स का मतलब होता है जो कुतर कर किसी चीज को खाते हैं, जैसे कि रैट, चूहा, जो किसी चीज को कुतर के खाता है। तो ये जो रोडेंट अल्सर होते हैं, ये इनकी जो सिमिलैरिटी होती है, ये उसी प्रकार से होती है जैसे चूहा किसी चीज को कुतर देता है। और पर्टिकुलरली ये जहाँ पे आंसू जिस एरिया में टपकते हैं, उस एरिया में होने वाला एक अल्सर होता है और उसकी अपीयरेंस लगभग लगभग इसी प्रकार की होती है। तो आइए शुरू करते हैं। रोडेंट अल्सर, इसको हम बेजल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है बेजल सेल कार्सिनोमा, और ये अल्सरेटेड कार्सिनोमा होता है बेसिकली। जैसा कि मैंने बताया कि ये फेस पर सबसे कॉमनेस्ट होता है, और वो एरिया जहां पे जो है टीयर यानी के आंसू गिरते हैं आंखों से, उस पर्टिकुलर एरिया में कॉमनली पाया जाता है। इसलिए इसको टीयर कैंसर भी कहते हैं, टीयर कैंसर यानी कि बेजल सेल कार्सिनोमा और रोडेंट अल्सर। इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें सेंट्रल एरिया ऑफ ड्राई स्कैब यानी कि बीच वाला जो एरिया है उसमें स्कैब यानी कि खुरंड जैसा एक दिखाई देगा, और जो पेरिफेरल यानी कि जो चारों ओर का एरिया है वो एक्टिव होता है, यानी कि अल्सर जो है बेसिकली बीच में उसमें वो जो है स्कैब फॉर्मेशन होगा, और जो उसकी चार पेरिफेरी है वहां पे बेसिकली डिजीज एक्टिव होती है, अल्सर फैलता जाता है। इसके जो पेरिफेरी है वो रेज्ड होती हैं, उठे हुए और बीडिड मतलब के जैसे माला के जैसे इस प्रकार के एजेस इसके होते हैं, लेकिन एज इवर्टेड नहीं होते, मतलब इवर्टेड यानी कि बाहर की ओर पलटे हुए नहीं होते, बल्कि बीडिड होते हैं, उठे हुए रेस्ट और बीडिड यानी कि माला के दानों के समान, और हीप्ड अप इकट्ठे होते रहते हैं इसमें टीनी नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, और साथ में जो है वो पर्ल लाइक लस्टर, उसमें से जो है वो पर्ल यानी कि मोती के समान जो है वो उसकी लस्टर वहां पे दिखाई देती है, और बेसिकली ये जो है बहुत ही माइन्यूट नोड्यूल्स होते हैं, और फ्लोर जो है वो पिगमेंटेड होता है इसका विद स्कैब, जैसा कि हमने बताया कि बीच में स्कैब बना होता है, ये बात है। अब एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो अल्सर होता है बेसिकली ये नीचे जो डीपर टिश्यू होते हैं प्लेन उसमें इरोड करता है, मतलब नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, इरोड कर देता है, और इवन जो कार्टिलेज और बोन है उनको भी इन्वॉल्व कर देता है। तो इसलिए इसको रोडेंट यानी कि कुतरना कहते हैं, कि जैसे पर्टिकुलर किसी चीज को कुतरते हुए जो है वो नीचे की तरफ चला जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि जो इस एरिया के लिम्फेटिक होते हैं वो बहुत अर्ली स्टेज में ही ब्लॉक हो जाते हैं, इसी कारण से क्योंकि जो लार्ज ट्यूमर सेल्स होती हैं वो इनको बहुत अर्ली ब्लॉक कर देती हैं, तो इसी कारण से इसका स्प्रेड लोकली नहीं होता है। तो ये जो कैंसर होता है इसका स्प्रेड लोकली नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज में ब्लॉक हो जाते हैं बेसिकली। तो हम इसको केवल लोकली मैलिग्नेंट कहते हैं, और इसका जो है डिस्टेंट स्प्रेड नहीं होता है, दूर ये फैलता नहीं है ना लोकली फैलता है, केवल उसी स्थान पर ये रहता है, केवल उसकी जो पेरिफेरी है वहां पे अल्सरेशन होते रहते हैं। जहां तक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो ये जो है सबसे कॉमन जो पाया जाता है ये ब्राइट सनलाइट जो होती है, जिसमें कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है बहुत अधिक होती है, वहां पे ये देखने को मिलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कॉमन है ये, और जो डार्क स्किन्ड होते हैं उसमें कम मिलता है, डार्क स्किन वाले जो पर्सन होते हैं वहां पे ये कम देखने को मिलता है, और ये ओल्ड एज यानी कि बूढ़ों में मेल्स में अधिक होता है, फीमेल में कम होता है, बेसिकली बहुत स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पहले एक छोटी सी नोड्यूल हुई, नोड्यूल में स्कैब बना हुआ, फिर चारों तरफ उसमें फैलता चला गया, बाद में जाके इसका पता लगता है कि ये बेजल सेल कार्सिनोमा है, और मंथ टू ईयर्स ये ग्रो करता रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यतः यह फेस पे होता है जहां पे टीयर बेसिकली डाउन होते हैं, इसके अतिरिक्त ये कई बार टीबिया, एक्सटर्नल जलाइटेलिया, और ये म्यूकोजा में कभी नहीं होता है,
ये केवल म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे हो सकता है, लेकिन म्यूकोजा में नहीं होता है। और कई बार ये पेरिएनल रीजन में भी देखने को मिलता है, ऐसे कुछ केसेस हमने देखे हैं जिनमें पेरिएनल रीजन में भी देखने को मिलता है। तो ये यदि आपको इस प्रकार का कोई अल्सर इस जगह पर दिखाई देता है तो उसकी बायोप्सी की जानी चाहिए, ताकि अर्ली डायग्नोस होने के बाद से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।